देना चाहता हूँ, जो आपका क्लास टेंथ का पेपर हुआ, बिल्कुल हमने जो भी पढ़ाया वही आपका एकदम पूरा पेपर आपका छप गया है। हमने दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पढ़ाए, जैसे यहाँ पर देखा जाए ऑब्जेक्टिव को, जो किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है, दर्पण के किस स्थिति पर रखना होगा, सी पर रखेंगे तो आपको बताएगा प्रतिबिंब हमेशा इक्वल बनेगा, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, दर्पण के ध्रुव पर हम वस्तु को नहीं रखते हैं बताया गया, पी और एफ के बीच में रखें तो आपकी छठी कंडीशन है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। क्या बने? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे दोस्तों सही है। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, कल ही हमने आपको पढ़ा किसी भी लेंस की क्षमता का इकाई क्या है, मीटर प्रति मीटर और मीटर प्रति सेकेंड, या इसमें कोई नहीं तो आपका डायोप्टर होता है, इसमें कोई नहीं, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब कल भी हमने इसको भी पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन मिल गया आपके, वाह वाह, किस रंग का विचलन क्या होता सर्वाधिक होता है, मेरे प्यारे आपको सबको पता है कि बैंगनी रंग का विचलन क्या होता सर्वाधिक होगा, यानी वायलेट का विचलन सर्वाधिक होगा। सूर्य श्वेत प्रतीत होता है कब, आपको ये भी पढ़ा गया, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य आपका श्वेताभ प्रतीत होता है। यहां से मैंने आपको आपको फार्मूला लिख करके बोर्ड में बताया कि आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर नहीं करता, तो आपको पता है लंबाई पर निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके घनत्व रो पर भी निर्भर करता है, लेकिन चालक तार के आकार, चालक का आकार पर निर्भर नहीं करता। मेरे प्यारे सबको यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गए हैं। अब ये बताया गया है कि हमने ये भी बहुत बार बताया है कि यहाँ पर अगर न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा न्यूनतम के लिए, अधिकतम के लिए मेरे प्यारे हमेशा आपको श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा, इसको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन यह है कि एक विद्युत धारा वाली चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित किस नियम का नियम की सहायता लेते हैं, आप लोग इसका कमेंट करके जरूर बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बिल्कुल सही करके आए हैं। ये आपका फिजिक्स का इधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, बाकी देखते हैं जो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल भी आपको देखा जाए, ये मेरे प्यारे देखो सेम क्वेश्चन आपको हमने पढ़ा के रखा था और ये सेम क्वेश्चन आपका फंस गया। एक मोटर बाइक के पीछे आ रहे हैं किसी अन्य वाहन को देखने के 2 मीटर वक्त दीजिए, एक उत्तल दर्पण है, बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन की दूरी मोटरसाइकिल से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना की प्रतिबिंब की दूर, बिल्कुल आपका दोस्तों सवाल आगे हमने ये भी बताया किरण आरेख कैसे बनेगा, सेम आपके क्वेश्चन पहुंच मिल गया है आपको, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कड़ी में पढ़ाया था। ये दृष्टि दोष के आपकी वही सवाल, बस ये है, यहाँ पर अधिक से अधिक दिया गया है और यहाँ पर देखा गया अनंत दूरी दोनों आपकी दिया गया है, हमने बताया दृष्टि दोष से पीड़ित इस सवाल आपकी आएगी और बिल्कुल आ गया, यहाँ से आपको किरण आरेख बनाने के लिए भी आ गया, सभी लोग सॉल्व किए होंगे, जिसको नहीं आएगा कमेंट कर बताएंगे। ये लास्ट में आते आते हमने बोला था बेटा कि आपको ओम का नियम और उसका परिपथ जरूर पढ़ लेना, और ये भी आ गया है कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे हम सभी चीजों को इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको, जहां आशा हो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। विद्युत मोटर कार्यकारी ये भी आपको पढ़ाया गया है, हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाना, ये भी आपका पेपर फंस गया है। और आपका परिवर्तित विद्युत जनित्र कुछ बच्चों ने पूछा था, हमने कहा बेटा ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपके सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे फिजिक्स के फंस गए हैं, तो क्या मैंने जो भी बताया था आपके सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर फंस गए हैं, तो मुझे आशा है कि आप जो भी आपका पेपर होगा सभी पेपर में सभी ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे और आप लोग का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगली क्लास के साथ, बाय बाय, जय हिंद।